अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जनाब अभी इस वक्त जो है वो हम जा रहे हैं सब बच्चों को लेके पिकनिक पे, और बायर जो है आज अपी का कुकिंग के अपी को अपने चैनल के लिए आज बायर कहीं पे आउटडोर जो है वो कुकिंग करनी है, उनका कोई प्लान है तो वो भी चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं। तो चलें आपको मैं दिखाती हूँ कि अपी क्या क्या चीज़ें साथ लेके जा रही हैं और किस तरह से अपी बायर जाके वीडियो बनाने वाली है। तो चलें लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो ये जनाब आयत और उमर और महा जो हैं वो इस तरह से तैयार हो चुके हैं। बहुत प्यारी लग रही हो आयत आज आप, तो चलो चले निकल। चलो आज जनाब हम लोगों ने रख लिया है पीने के लिए ठंडा पानी, सिलेंडर रास्ते से हम लोगों ने भरवा लेना है, ऑयल है, आलू रखे हैं इसमें, सारी जो है वो सेट है, जो बर्तन वगैरह हैं प्लेटें वगैरह हैं सारी, और इसमें पतीला चटनी ये सारे मसाले वगैरह रखे हैं, और फिर उसके बाद इसके नीचे जो है वो चटनी और दही रखा है ताकि ये हिले नहीं, ठीक है, इस तरह आराम से इसको रखे ताकि हिले नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी सेटिंग करके लेके जा रहे हैं, और ये पानी है अगर कोई बर्तन वगैरह धोने के लिए या फिर चीज़ वगैरह डालने के लिए, मिक्सिंग के लिए, जो पकौड़ों का मसाला होता है उसको मिक्सिंग के लिए वाला पानी लेके जा रहे हैं, और वो ठंडा पानी है पीने का और वो थोड़ा गर्म पानी। ये जा रहे हैं भाई और इब्राहिम की मम्मा अगले वाले में ना, और बिलाल जी। हेलो, हाय, आ जाओ आ जाओ। तो जनाब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गाड़ी से पिक कर ली हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मैट अपना जो है वो भूल आए हैं, तो अभी देखते हैं कि घास पे बैठना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैट हम लोग भूल आए हैं और अभी देखेंगे कि किस तरह से बैठेंगे, क्योंकि जो सिटिंग मैट था वो बच्चों को दिया कि गाड़ी में रखें और वो सेन में रख के भूल आए। हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि बच्चों ने रखा है कि नहीं, तो वो हमसे रह गया है। अभी देखते हैं कि घास पे बैठना पड़ेगा मजबूरी। और ये हम लोगों ने जगह देखी है, तो यहाँ पर ये कि ज़्यादा पब्लिक भी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो यहाँ पे वीडियो बनानी इजी होगी। गाड़ी का कवर बुरा नहीं लगेगा, तो जनाब यहाँ पर टेंशन बनी हुई थी कि हम लोग जो है वो अपना मैट जो है वो घर पे भूल आए हैं, तो अभी किस तरह से बैठा जाए, क्योंकि अपी की वीडियो में भी जो है वो गाड़ी का कवर बहुत बुरा लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन थी। ये हम लोगों ने गाड़ी का कवर बिछा लिया है और अभी जो है यहाँ पर कुकिंग की तैयारी होने लगी है। अम्मी और आपी जो हैं वो पोटैटो काट रहे हैं। आपी क्या बनाने वाली? टी स्नैक्स ये भी बनाएंगी? तो मेरी वीडियो थोड़ी सी बनाओगी? तो जनाब यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी ऐसी परेड कि उसके बाद मुझे पूरा दिन वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कि आप देख रहे हैं कि मैंने कितने चक्कर यहाँ पर लगाए, कभी एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा वक्फे पे बैठ गए थे और मेरी तो अच्छी खासी परेड लग गई थी। ठीक है, तो इस वक्त आपी की सारी सेटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और हम लोगों ने माइक और कैमरा सब कुछ रेडी कर लिया है। अभी मैं जा रही हूँ आपी का आपी की वीडियो बनाने के लिए। बाइक लगाया हुआ है, तुमने अभी चीज़ें बताई तो मैं तुम्हारी लगी थोड़ा सा नजर आए।
तो जनाब यहाँ पर बड़ी आपी जो है वो बच्चों को लेके काफ़ी दूर चली गई थी, क्योंकि बच्चों का बीच में जो है वो रिकॉर्डिंग में शोर आता है, वो अक्सर बीच में आ भी जाते हैं। और आपी तो ने जो है वो नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो उनको कैमरा फेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अपनी स्क्रिप्ट भूल जाती हैं, तो मैं फिर उनको बार बार याद दिलाती हूँ कि आपने ये बोलना है। वो आप ही के पास है लाइटर, अम्मी लोग इंतजार में बैठे हैं। आ रहे हैं फिर, वेटिंग पे ना, बच्चे भी तो सारे वेट पे हैं। वही ना, बच्चों को कहाँ भेजा हुआ है हम लोगों ने ताकि ये शोर ना करें। तो जनाब एक बंदा जो अपने मकसद के लिए कहीं जाता है, आप ही तो वीडियो बनाने के लिए चली जाती हैं, लेकिन आप ही के साथ जो बाकी बंदे होते हैं वो जब तक खाने की कोई चीज़ बनती नहीं है तब तक बोर होते रहते हैं। तो यहाँ पर भाई जो है मम्मी को कुछ फ़नी वीडियोज़ वगैरह दिखा रहे थे कि नहीं ताकि आपका टाइम पास हो जाए। तो जनाब यहाँ पर जो है आफत के टोटे आ चुके थे, और उसके बाद हम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आने वाली थी कि हम लोगों की वीडियो जो है वो क्या बनने वाली है और कैसे बनने वाली है। तो भाई को हम लोगों ने कहा कि आप किसी तरीके से इनको बिज़ी रखें, और उसके बाद अम्मी मैं और आप ही जो हैं वो कुकिंग के साथ शुरू हो गया। सर जी यहाँ पर बोर हो रहे थे और वेट कर रहे थे कि बस ये कब बन जाए, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी जिसकी वजह से आग जो है वो बिल्कुल भी गर्म ऑयल को नहीं कर रही थी। वही ना, यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल पड़ी है, ये देखें आप, और पता नहीं अभी किस तरह की रेसिपी बनेगी। चूल्हा जो है वो बंद हो रहा है, कुछ मुसाफिर पड़े हुए हैं यहाँ पे, और बच्चों को वहाँ पे अम्मी लेके गई हुई है। तो गानों की आवाज़ आ रही है कहीं से, गाने कौन सुन रहा है? उफ अल्लाह, बेवफाई वाले गाने। अभी इस वक्त जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो हम लोग अपना सिलेंडर जो है वो झाड़ियों के पीछे कर रहे हैं ताकि ऑयल गर्म हो जाए, और इससे पहले कि बारिश हो जाए हमारे जो फ्राइज है वो बन जाए। तो हम लोग ये जगह चेंज कर रहे हैं। मेरे बैग में रख दो, पिंक वाले बैग में। यहाँ पर जो है वो एक साइड पे आग बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो हम लोगों ने झाड़ी के पीछे ही इसको रखना सही समझा। हम लोगों ने इसको अपने चूल्हे को झाड़ी के पीछे रख दिया, और वहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से मेरी प्लेट लग गई है। दोबारा मैं यहाँ से वहाँ सामान शिफ्ट कर रही हूँ, और बच्चे जो हैं वो फ्लावर्स तोड़ी जा रहे थे, खेल रहे थे उनके साथ, और उसके बाद जो है वो बड़ा हम लोगों ने कहा कि बस किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय करें लेकिन हमें ना तंग करें, क्योंकि वीडियो में ये फिर बार बार इन होते हैं। तो हमारे फ्राइज़ जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है तो काम जो है वो काफ़ी स्लो हो रहा है, और इसके साथ अभी हम लोगों ने चाय बनानी है तो उस पर भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा पूरी रेसिपी बनाने के लिए। देखिए आप, काफ़ी देर हम लोगों को हो जाएगी, और मगरिब का टाइम भी हो रहा है, तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना बारिश स्टार्ट हो जाए सबसे ज़्यादा। और सब लोगों के आप गौर करें, इधर ही मुँह सब ने पकड़ा हुआ है, सब इसी तरफ देख रहे हैं, सबको भूख लगी हुई है कि कब ये चीज़ बनेगी और हम लोग खाएंगे, लेकिन अभी हवा की वजह से जो है वो हमें काफ़ी वक्त लग रहा है। ये हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से दो प्लेटें फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, जिसमें थोड़ी सी वीडियो हम लोगों ने बना ली थी। तो जनाब यहाँ पर रेसिपी हमारी फिनिश हो चुकी है, और जिन जिन को भूख लगी हुई थी वो टूट पड़े हैं फ्राइज़ पे, मज़े के चले बेटा, सब आ जाए सब आ जाए, अब उसके बाद चाय बन रही है वहाँ पे, ठीक है आपके लिए भी चाय। आपने नहीं खाया अभी? अच्छे थे? अच्छा, इसकी खुशबू बड़ी उठ रही है, अलग खुली जगह लेकिन बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही है जी। तो जनाब आप ही के चैनल पे जाके आपने ज़रूर इस रेसिपी को विज़िट करना है, देखना है, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, और ये पार्क में तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो गया। और आप देखिए अंधेरा हो गया, मगरिब की अजानों का टाइम है, बल्कि मगरिब की अजानें कहीं दूर दूर हो भी नहीं है, और बस इसके बाद चाय पियेंगे और फिर चलेंगे।
और इतनी मेहनत करने के बाद जब मैंने कहा कि यार मुझे भी 2-3 फ्राइज़ चखा दो, ऐसा ना हो कि सारे खा जाएं, मुझे इतना भी ना पता लगे कि फ़्राइज़ का टेस्ट कैसा था, क्योंकि आपने बिल्कुल नई रेसिपी फ़्राइज़ में ट्राई की थी। तो ये जो है बिलाल, वो मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, ये आगे आके अपने फेस को देख के हंस रहा था, खुश हो ही जा रहा था। और मैं यहाँ पर अंधेरा हो चुका है और मगरिब की अजाने, वो पीछे आग लग रही है, पीछे आग लग रही है भाई। ऑयल है ना, वो खींचने भी नहीं होगा। आप भी चले जाए ना, खा लें, इसके बाद चाय रखेंगी। सब नजर आ रहा है, मच्छर आ रहे हैं। बस अभी बस चाय भी पीते हैं, चाय बनाएंगे और इसके बाद चलेंगे, ठीक है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को आज, आपकी वो होता है ना, वो रात की कैंपिंग होती है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रात की कैंपिंग हम लोग कर रहे हैं। तो जनाब ये अभी इस वक्त जो है रात का बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, सब हम लोग पैक हो चुके हैं गाड़ी में। तो जनाब ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।